तो सबसे आसान सारे गामा पा बजाने के लिए हम अपने कीबोर्ड, हारमोनियम, पियानो किसी पे भी, टू ब्लैक के लेफ्ट वाला जो वाइट है वो बजाएंगे, सा सा, फिर एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके, अगर हम राग यमन करेंगे तो उसमें म अलग होता है, लिखा हुआ होगा म राग यमन में, तो म के ऊपर एक छोटा सा डंडा बना होगा, उसका मतलब होता है कि म नॉर्मल वाला नहीं है, वो म होता है ये सा रे गा म, इस म से एक ऊपर जो ब्लैक होता है। ऐसा क्यों होता है ये बाद में देख लेंगे। तो राग यमन जब हम बजाएंगे, हमने उसका आरोह अवरोह और पकड़ करी है या करेंगे, तो आरोह अवरोह पकड़ राग यमन की, नी रे नी का है ये रहा सा के पीछे वाला नी। कई लोग स से स्टार्ट कर देते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ज्यादातर लोग नी से स्टार्ट करते हैं, नी रे गा मा पा धा नी सा, फिर अवरोह आ जाएगा, सा नी धा पा मा गा रे सा, पकड़ आ जाएगी, नी रे गा रे पा रे, क्योंकि प सा रे गा मा पा ये था, पा रे नी रे सा।